हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? नीचे कमेंट करके बताया करो भाई। मैं भी तो थरती बताऊँ, मैं कितनी ठीक हूँ। फिर तुम भी बता दिया करो कदे कदे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जागरण। जागरण कह लो, सत्संग कह लो, कीर्तन कह लो, यार मतलब थोड़ा देसी स्टाइल में ही है। और सुबह का मौसम यार कुछ ऐसा था, मतलब सुबह हो रही थी यहाँ बारिश, तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं कैसे जाऊँगी कैसे जाऊँगी। लेकिन जागरण शायद स्टार्ट हुआ था समथिंग 1-2 बजे के आसपास, और उस टाइम तक मौसम थोड़ा ठीक हो चुका था, हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन फिर भी जाने लायक हो गया था। वैसे जागरण कहीं दूर नहीं था, मेरे घर के बाहर ही था, मेरे घर के सामने। और मौसम कुछ ऐसा था, और ये वाला मौसम मुझे बड़ा पसंद है। देखो हवाएं देखो, जब बारिश के साथ मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, मुझे मतलब यूँ समझो कि एक नंबर लगता है वो मौसम। मुझे तो भाई बड़ा पसंद है ऐसा मौसम, और किस किस को अच्छा लगता है ऐसा हल्की हल्की बारिश और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं। और यहाँ से शुरू हो गया है जागरण। और जागरण में यार ये दो लड़कियाँ आई हुई थी, मतलब ये दोनों बहनें थीं। एक अभी बाद में आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये झज्जर हरियाणा के एक गांव से आई हुई थी, और ये लड़कियाँ दोनों गा भी रही थी और डांस भी कर रही थी। और गांव के हिसाब से मतलब डांस सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, इनका डांस काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब देखने वालों को। और ये जो मतलब औरतें हैं जो भी जागरण में बैठी थी, औरतें आदमी जो भी पब्लिक मतलब बैठी थी यार, जो 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 खुश होती है, जिन जिनको अच्छा लगता है वो इसी तरह से पैसे वार वार के दे के जाते हैं इनको, मतलब इनके ऊपर से पैसे घुमा देते हैं फिर इनको दे देते हैं। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं वार फेर, तो वही सब चल रहा है इनके ऊपर से। और अब देखो ये गा भी रहे हैं साथ साथ और नाच भी रहे, भाई दोनों काम ये एक साथ कर रही हैं दोनों बहनें। और छोटी छोटी थी, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र की नहीं थी, आई थिंक 20 साल के आसपास ही होंगी, 20 साल से भी कम की शायद हो। और अब ये एक आई थी इनके ऊपर पैसे वारने, और कहते हैं ना कि नाचने वाले का पैर रुकता नहीं है, चाहे उसे कोई ना बोले लेकिन फिर भी वो शुरू हो जाता है। तो देखो वैसे तो ये मेरी नॉन है और ये भी शुरू हो गई है इनके साथ। और जिस जिसने डांस करा था ना, मैंने उनके ऊपर नंबर डाल दिया है, तो आप मेरे को ज़रूर बताना इन लड़कियों के अलावा कि आपको किसका डांस सबसे अच्छा लगा। छोटा सा जागरण और ये बाबा का भंडारा, बाकी सभी ने सहयोग मिलना है, कोई तन से कोई मन से कोई घर से, जिसकी भी जैसी श्रद्धा भावना है सब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे भगवान के दरबार क्या भगवान के पैरों में। और ये हैं जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनके फादर, और जो साथ में खड़े हैं पिंक कुर्ते में वो है मेरे देवर लगते हैं, वो चाचा जी के लड़के। और बस ऐसे ही इनसे क्वेश्चन वेश्चन पूछे जा रहे थे कुछ, और इन्होंने मतलब खुश होके इन दो जो लड़कियां थी इनको पैसे भी दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे इन्हीं कामों में कार्यग्रस्त रहते हैं भाई। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा 2 साल से चल गया सर, आज 25 साल। और यहाँ ये मेरी बीच वाली बुआ डांस कर रही है, और इसके ऊपर से गई थी मैं पैसे वारने के लिए, तो बस वही पैसे वार के वही सिस्टम यार, वार फिर करके और चढ़ा दिए मंदिर में पैसे।
तागड़ी गाना तो शायद आप सबने सुना ही होगा, तो उसके ऊपर इब एक भजन भी बना दिया, गोरा की तागड़ी कुछ इस टाइप का भजन था, तो उस पर गाना सॉरी डांस चल रहा था। म्यूजिक यार मैं डाल ना सकूती ना, तो म्यूजिक गाल तो न्यारा ही मजा आवा देखण का। पर न्यू क्या कर रहा है हरियाणा में, तो जिसने ना नाचना आता हो ना उसने भी नचा दे। इब देखो एक बुलाने लग रही है ये आंटी एक औरत, इसने नाचना आ नहीं रहा बेचारी के कर फंस गई, करना पड़ेगा। यूँ कह रही है न्यू कर, और इसने सिखाने लग रही है कि बढ़िया तरिया सारी कोचिंग आ जाड़े दे जाएगी। और आंटी भी सीख गई देख, मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-7 मिनट का डांस देखा होगा, देखण में सीख गई। अरूरा कर रही है देखो नागिन डांस यार, इनका भी है ना गजब है। अरे इस छोरी के ठुमके देख लो, तो ईसा होया कर रहा है हरियाणवी रगड़िया में डांस है या करण लाग रही है उरे भी। और ये जो रेड चुन्नी में जो दिखाई दे रही है ये है मेरी छोटी बुआ जी, और जो पर्पल सूट में दिखाई दे रही है वो है बीच वाली बुआ जी, और जो ये कुर्ते में है ये मैंने आपको बताया था ये देवर, और यहाँ ये भी फंसा दिया बेचारा। तो भाई उरे तो ऐसा ही काम होया करे, जिसने ना आता हो ना उसने भी घसीट दें। और यहाँ आरती शुरू हो गई थी, ये बुआ जी और फूफा जी, ये बीच वाली बुआ जी है और ये उनके हस्बैंड, और इसके बाद ये है साक्षी मेरे जेठ की बेटी है ये। ये पिछली वीडियो में भी शायद आपने इसको देखा होगा, पिछली नहीं मतलब पहले की वीडियोस में। और ये आ गई हूँ मैं, और जो मेरे पीछे खड़ी है ना ब्लू वाइट वाइट सी साड़ी में, वो है सबसे बड़ी वाली बुआ जी। तो आज तीनों बुआ जी से तो मैंने आपको मिलवा दिया, और अब चलते हैं अपने घर, जागरण संपूर्ण हो गया। ये तो चालू है, बिल्कुल चालू है बेटा, भाई बारिश का मौसम होते ही ये सब निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब घर के अंदर है फिलहाल ये, और इतना पीट चुके हैं इसको, इतना मार चुके हैं, उसके बावजूद भी अपनी गर्दन मतलब हिलाए जा रहा है। देखो आपको समझ आ रहा हो तो हल्की फुल्की मूवमेंट ये अब भी कर रहा है, और बाहर का हाल दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अब मैं आ चुकी हूँ, जागरण वागरण सब खत्म होने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। वैसे तो आज मैंने खिचड़ी बनाई हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मतलब इनके भैया आ गए, मतलब मेरे जेठ जी, हम भी भैया ही बोलते हैं, तो वो आ गए और उन्होंने बोला कि भाई आज क्या बनाया है। तो अब मैं उनको खिचड़ी तो खिला नहीं सकती, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भैया आप बताओ क्या खाओगे, वही बना लेती हूँ। उन्होंने डिमांड की भिंडी की, और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए भिंडी, और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। और यार हम हाउसवाइफ का होता ही है कि अपने लिए आज का साधा था, लेकिन किसी दूसरे के लिए मतलब अगर कोई इतना भी बोल देना चाहे हम कितने ही थके हुए हों, किसी दूसरे के लिए हमें बिल्कुल आलस्य नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगी कि यार आलस्य करना भी नहीं है, और एक परफेक्ट हाउसवाइफ की यही निशानी होती है, आलस्य करना भी नहीं चाहिए चाहे हम कितने ही थके हुए हों।
ये अपनी ड्यूटी जा चुके हैं, खाना सिर्फ खाना था मेरे को और निश्चय को। और निश्चय को खिचड़ी इतनी पसंद है तो उसने बोला कि ठीक है मम्मा खिचड़ी खाऊंगा। अब मुझे लगा यार मैं अपने लिए क्या अलग से बनाऊं, मैंने भी खिचड़ी बना ली। सब बनने के बाद आ गए भैया, और भाई उनके लिए बना रही हूँ भिंडी। भिंडी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। एक प्याज मैंने डाल दिया है, अजवाइन में मैंने उसको छोंक दिया है, बस ऐसे ही मैं बना रही हूँ। उसके बाद भिंडी डाल दूंगी, मिर्च भी इसी में ही काट देती हूँ, और इसके बाद कर दूंगी वीडियो का एंड, क्योंकि आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जागरण की क्लिप्स बहुत सारी। और यार वो जो मतलब जो जागरण हो रहा था उसमें, सॉरी डांस जो हो रहा था वो हरियाणवी कल्चर है, उसी से रिलेटेड वो स्टेप थे। मतलब जब हरियाणवी में, सॉरी हरियाणा में जागरण का कोई प्रोग्राम होता तो उसमें इस तरीके का डांस होता है। शायद आपने सपना का नाम तो सुना ही होगा, वो भी इसी तरह से डांस करती है। तो ये हरियाणवी डांस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो होता है मुझे आज खुद ऐसे 2-3 लोग मिले जिन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, और फिर उसके बाद वो पूछ रहे थे भाई वीडियो क्यों बना रही है, वीडियो क्यों बना रही है। तो किसी ने बोल दिया कि भाई इसका चैनल है, तो उसके बाद उन्होंने नाम पूछा और तुरंत से सब्सक्राइब कर दिया। और मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि हाँ भाई, कोई मैसेज नहीं आया कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ गया है। तो इसलिए फिर मुझे समझ आया कि फिर मैंने किसी से बात की यार मुझे क्या समझ आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम बिना वीडियो को मतलब स्टार्ट किए, 1-2 मिनट की ही चाहे हम वीडियो देखें, बिना वीडियो अगर चलाएं हम वो कर देते हैं सब्सक्राइब, तो वो स्पैम हो जाता है। वहाँ पे बैठ के कुछ किया भी नहीं, बस 2-3 घंटे के लिए जितनी देर भी मैं रही थी बैठे ही रहना था। फिर भी पता नहीं क्यों यार, काम करते करते इतना शरीर मतलब थकता नहीं है जितना खाली बैठे बैठे थक जाता है। मतलब एक शरीर को भी एक हैबिट सी होगी कंटिन्यू लगे रहने की। और बातों की तो कहानी ऐसी है, बातों का तो कुछ पता नहीं चलता। बातें हो, इतनी सारी बातें भी हो गई, और बातों के बाद सब्जी भी रेडी हो गई। रेडी नहीं मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब तो ये खुद ही अपने आप करती रहेगी अपना काम। और अब क्योंकि अब इसने मुझे बोल दिया है अपना काम स्वयं पर छोड़ो, ठीक है भाई खुद का काम खुद ही करे। तो बातें थोड़ी सी कम करते हुए वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करना। जो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टाइम विजिट जरूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद ब्लू कलर का बेल ऑप्शन आएगा, बेल ऑप्शन पे ऑल पे क्लिक करके जाना, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री है। लाइक करना भी फ्री है, शेयर करना भी फ्री है, और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।